हाय गाइस, आज हम एक स्पेशल फ्लेवर बना रहे हैं और बहुत ही वर्ल्ड का फाइनेस्ट फ्लेवर बना रहे हैं। जबकि इसमें आज सबसे स्पेशल चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम फ्रेंच टबैको, जो कि बिल्कुल प्योर 100% फ्रेंच टबैको है। वो ये रहा, उसको हम आपको दिखाते हैं। ये फ्रेंच टबैको फ्लेवर है, ये किसी भी टबे को कोई सी फ्लेवर में हो सकता है। ये इस टाइम हमारे पास मिंट में है और ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है और बहुत ही बढ़िया टबे को है। इसमें बिल्कुल एकदम फाइनेस्ट फ्लेवर आता है और स्मोक भी। यहाँ पे हमने आज हम बना रहे हैं यहाँ पे अलोहा फ्लेवर, जो कॉम्बिनेशन पाइनएप्पल मिंट ऑरेंज ऑरेंज के साथ। इसको हमने अच्छे से थोड़ा कट कर लिया है और फिर चिलम में भर रहे हैं हम इसको, या फ्लेवर दे सकते हैं। ये बिल्कुल फाइनेस्ट फ्लेवर है, इंपोर्ट कर रहे हैं दुबई से, इंडिया में नहीं मिल पाएंगे आपको ये। और ये हमने ये भी दुबई से इंपोर्ट करा हुआ है, फ्रेश टोबैको वाला जो है। इट्स वेरी गुड फ्लेवर। इसको इसके बाद जो इसके होल्स होते हैं उसमें बिल्कुल पहले चिलम में फिट कर गए होल्स को, बीच में आपको दिखाना है। इसके अंदर पांच छेद होते हैं, जो पांच होल को क्लीन रखना होता है। सिल्वर कॉइल ले रहा है। सिल्वर कॉइल को कभी उल्टा इस साइड से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे फ्लेवर चिपक जाते हैं, इस वजह से स्मोक नहीं आते हैं, गले में हीटिंग आती है। फाइल बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। मेन हमेशा गैस ध्यान रखना कि फ्लेवर जो होता है आपके चिलम बनाने के ऊपर ही डिपेंड है कि कितना स्मोकी होगा और उसका जलेगा कि नहीं जलेगा फ्लेवर। चिलम बनाते आप जितना केयर करेंगे उसके उतना ज़्यादा बेटर है। आप देख सकते हैं बिल्कुल टाइट रैप करा हुआ है, थोड़ा सा ढीला भी छोड़ा हुआ है, और आपको जो होल्स करने हैं वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली होने चाहिए ऐसे। और एक सबसे मजे की चीज, एक बिल्कुल अलग तरीके का कोल ले रहे हैं हम आज, ये है कोकोनट कोल। आपको दिखाता हूँ, ये कोकोनट कोल्स हैं। ओके, ये पूरे लेट हो जाते हैं, ये वैसे ऐसा होता है ब्लैक। ठीक है, ये भी हमारा इंपोर्ट करा हुआ है दुबई से, ये देख सकते हैं आप। ओके, कोकोनट कोल्स ये भी इंडिया में नहीं मिलेगा, इंडिया में बहुत मुश्किल से मिलेगा, बल्कि मिल जाएगा तो शायद। ये ऐसा होता है ब्लैक क्यूब्स। चिलम हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम बेस निकालेंगे। इस चिलम को हम खलील में भी यूज़ कर सकते हैं और आपका छोटे होके में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम छोटा बनाएंगे, उसमें ज़्यादा अच्छा स्मोक आता है हमेशा। जिल वाटर, हमेशा बेस को हमेशा आप आधा भरो, ठीक है, चिल होना चाहिए ऊपर, तभी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर ठंडा आएगा। वो एक बिल्कुल चिल पाइप निकालेंगे हम। बोल लेंगे इसको, दो हिस्सों में तोड़ेंगे। कोल भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कैसे लगा रहे हो, इसी से होके असर पड़ता है। बस एक कोल लगाना है हमको, एक कोल लगाना है ऐसे। ओके, स्टार्ट करते हैं हमके वो। ठीक है।
अभी हुक्का स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा अलोहा फ्लेवर बिल्कुल रेडी है गाइस। अगर आप जैसे बनाते हो तो एक अलग ही जो आपको मिलेगा ना फ्लेवर, एक अलग ही है, और ये ब्रेन फीचर से भी अच्छा फ्लेवर है। फ्रूट मिंट फ्रेश। इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हो, आप इसमें अगर थोड़ा सा स्प्रिंग वाटर या कच्ची कली यूज़ करेंगे तो भी बहुत अच्छा जाएगा फ्लेवर, बहुत ही बेस्ट। स्टार्ट हो रहा है अभी। ये बन गया आपका स्मोकी बिल्कुल। ओके गाइस, आप ये घर पे बना सकते हो बिल्कुल, बहुत आसान है। बस ये फ्लेवर आपको अगर मिल जाए तो आप इसको अगर दूसरे फ्लेवर जो आते हैं उससे भी रिप्लेस कर सकते हो, बट जो इसमें मेन है वह सबसे हमारा फ्रेंच फ्लेवर वाला फ्रेंच टबेको जो हमने यूज़ करा हुआ है ये, और ये बहुत कॉस्टली भी है। ओके दिस वन। ओके गाइस, होप ये आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहेगा। बाय।